हाय गाइस, वेलकम टू स्पेशल कुकिंग। आज हम बनाएंगे घर के केवल 2 कप दूध से ही लच्छेदार रबड़ी। इसके लिए हम लेंगे एक मोटे तले का बर्तन और हम इसमें डालेंगे अपने दूध को। ये दूध हमारा मलाई वाला है, इसको हम इसमें 2 ग्लास दूध ले लेंगे और हम इस ट्रिक से बनाएंगे कि एकदम लच्छेदार और गाढ़ा रबड़ी बनकर तैयार होगा। अपने दूध को हम लगातार चलाते रहेंगे। अब हमने लिया है 2 कप गेहूं का आटा। ये 2 ग्लास दूध में हम डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध और हम इसको पतला घोल लेंगे। हमारा लम्स फ्री घोल तैयार हो चुका है। दूध हमारा बॉयल हो रहा है। अब हम इसी स्टेज पे शुरुआत में ही आटे के घोल को हम डाल देंगे और लगातार इसको हम चलाएंगे। हमारा दूध अब ये गाढ़ा होने लगा है। जब हमारा दूध गाढ़ा हो जाए तो इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे चीनी और चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ इलायची। हमारा दूध अब गाढ़ा हो चुका है। जब हमने चीनी मिलाया था तो हमारा दूध पतला हो गया था, लेकिन अब फिर से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें सबसे लास्ट में ऐड करेंगे खाने वाला सोडा। इसको हम ऐड करेंगे और लगातार चलाएंगे। इसके बाद ये अलग तरह का हो जाएगा, एकदम रबड़ी के फॉर्म में आ जाएगा। 2 मिनट चलाने के बाद हमारा रबड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है और जब ठंडा हो जाए तब हम इसको निकालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए बादाम के टुकड़े और इसमें ऐड करेंगे कुछ कटे हुए काजू। इस तरह से आप बहुत ही कम से दूध में ढेर सारी रबड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।